ना कछ आए बो, ना कछ जाए बो, राम की दुहाई, राम की दुहाई। ना कछ आए बो, ना कछ जाए बो, राम की दुहाई, राम की दुहाई। काया बो खंड खोजते, काया बो खंड खोजते, नाव निद पाई, नाव निद पाई, ना कछ आए वो, राम की दुहाई, रहाओ राम की दुहाई, ना कछ आए वो, ना कछ जाए वो, राम की दुहाई, राम की दुहाई, रहाओ। कायो देवा, कायो देवल, कायो जंगम जाति, कायो देवा, कायो देवल, कायो जंगम जाति, कायो तूप दीप नहीं बे, राम की दुहाई, दुहाई, राम की दुहाई। ना कछ आए वो, ना कछ जाए वो, राम की दुहाई। काया बो काया,
नव निध कछ आए बो ना कछ जाए बो राम की दुहाई राम की दुहा रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो ब्रह्मंडे ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे जो खोजे सो प्राण वे परम तत्व है परम तत्व है तत्व है परम तत् है पिपा प्राण परम तत् है सतगुरु होए लखावे सतगुरु हो राम की दुहाई राम की दुहाई ना कछ आए वो ना कछ जाए वो राम की दुहाई काया बो खंड खोजते खोजते काया बो खंड खोजते नव निद कछ जाए वो राम की दुहाई राम की दुहाई राम की दुहाई।
काया बहु खंड खोजते नव निद पाई ना कछ आइबो ना कछ जाइबो राम की दुहाई राम की दुहाई रहाऊ। प्यारी सत्संग जी आप जी दे थे प्रोग्राम जो सज्जना दे उद्दम नाल रखाया जाता मैं सारे दा धन्नवादी हाँ। पर कई सज्जन ऐसे ने जिहड़े इत्थे दी संगति च आंदे ने इस एरिए च रजिंद्र नगर च रहिंदे ने मेरे वीर मनजीत सिंह जी मेरे वीर भुपिंदर सिंह जी रुपिंदर सिंह जी मानयोग नरिंदर सिंह जी इस तरीके नाल बड़े सारे सज्जन ने सारिआं दे नाम ही नहीं मैं लै सकदा इस वेले सारे सानू उत्साह दिंदे ने ते असी विचारां तुहाडे नाल सांझ करदे आ। सो जिहड़े सज्जन लेट आए ने उहनां नूं असी नाल लैके चल रहे हां। साडा लड़ीवार जिहड़ा पिछला प्रोग्राम चल रहा सी उह चल रहा सी असी फरीद जी दे 80 श्लोक एक एक करके पिछले कई सालां विच बहुत आस्ता आस्ता एक एक श्लोक नूं अपने ते टुका के समझदे आ रहे हां। 130 श्लोकां चों 80 श्लोक पर अज पोस्टर ते लिखिया गया सी मैं जाणिया दुख मुझको इस करके असी उह श्लोक लिया सी। पर कुदरती है कि जो 15 अगस्त और 2 अक्तूबर नूं असी सैमीनार कीता है कि मेरे अंदर धुंद दी कार है फॉगी थॉट्स ने उन्हां दे कारण मैं लखां करोड़ां सालां तों वो धुंद दी कार कमांदा रहिंदा हाँ ते मेरे अंदर हनेरा है। वो टॉपिक असी लिया सी अरबद नरबद तुंदू कारा वो बाहरली सृष्टि बारे नहीं असी अज समझ रहे हाँ अंदरली सृष्टि बारे। सो अज जदों असी इस टॉपिक नूं समझ रहे हाँ ते इस टॉपिक नूं समझण वास्ते असी सत्संग जी इस शब्द दियां कुछ टर्म्स ने जिहड़ियां सानूं समझनियां जरूरी ने। शब्द है कायों देवा कायों कायों मतलब काया काया मतलब मेरी बॉडी पर मेरी बाहर वाली बॉडी ही नहीं अंदर वाली बॉडी भी कायों देवल। इस तरीके दे नाल असी ये टर्म्स काया तो इलावा देवा देवल अते कायों जंगम जाति असी ये टर्म्स समझनिया ने जिदे वास्ते मैं बेनती कीती सी कि असी ये पुस्तकां इसी करके छापियां ने ताकि तुसी ये टर्म्स नू गुरबाणी दे परिपेक हेठा गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर किसी टर्म अक्खर वर्ड ईडियम फ्रेज दा की मैना है उस मुताबक। सो कायों धूप दीप नहीं बेदा असी ये टर्म्स अज समझनिया ने। कायों पूजो पाती पाती की पूजना की होंदा की पूजना काया बोखंड खोजते बोखंड केड़े ने केड़े खोजने ने काया चों। सो नवनीत पाई असी समझे ना कछ आए बो की होंदा ना कछ जाए बो की असी सारी उम्र अखंड पाठ ही करते रहना है या किसी भी जगह पैसे भेज के अखंड पाठ करा के असी सोचना सानू गुरमत हो गई धर्म का काम हो गया कि समझ नहीं आई ये की है ना कछ आएबो ना कछ जाएबो राम की दुहाई दुहाई की होंदा वट इज़ राम की दुहाई। इंज असी इस शब्द के अंदर अगे चल गया जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे पिंडा किनू कहिंदे ने ब्रह्मंड किनू कहिंदे ने कि असी कदी भी अपने वास्ते समा इस तरह लिया नहीं लिया। वी डू नॉट इनवैसट जुडिशियसली अपने कीमती समय नू किस तरह इनवैसट करीद असी जाया करते रहते हाँ। जो खोजै सो पावै पीपा प्रणवै परम तत् है परम तत् की होंदा है सतगुरु होए लिखावै सतगुर किवें दिखांदा है इहदा मतलब इस सारियां टर्म्स सानू पहला क्लीयर होनिया चाहिए। सत्संग जितनी क्लीयर होनगियां ना साडे अंदर वाधा आएगा नॉट ओनली नॉलेज दा मेरे अवगुणा बारे समझ आएगी मेरे सुभा एटीट्यूड्स बारे और मैनू कित्थे कित्थे अग लगी हुई है
और मैं क्यों हंकारी हां अपने अहंकार जगत चलिया सारा समझ आता जाएगा। सुखी बसे मस्कीनिया के बदले मेरा जीवन की है बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गलिए। मैं रोज गर्भ बिच हंकारी च गल रहा क्यों गल रहा सारा समझ आता जाएगा। वन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड जीवन बदल जाएगा। सो लिविंग ट्रेजरी जिहड़े मैंबर्स आते हैं मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करता असी 1996 तो कर रहे हैं। जो मैं 1996 तो प्रोग्राम शुरू किया ना रखे जीवन जाज का खजाना द लिविंग ट्रेजर मैं अमेरिका तो अपने घरों कल्ला ही आया सी। जो कुछ भी तुसी देखते हो लिविंग ट्रेजर का जीवन जाज का खजाना का पसारा ये सारा ये सारे दिल्ली अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड तुसी लोग सानू मिले हो। पर मैं बेनती ये करदा अज तुसी जा रहे हो घर जा रहे हो जे असी बयान किया कि चरण का मतलब शरीरक बॉडी फिजिकल वाले चरणों नू नहीं कहते ने सच दे नक्शे कदमों नू कहते ने एज पर गुरबाणी। माई चरण गुर मीठे चरण गुर के चरण जी का निस्तारा तो असी किसी फिजिकल गुरु दे चरणा वाल नहीं जावांगे राइट आइडियल फुट स्टैप से टुरांगे जी का निस्तारा हो जाएगा। इंज इट टर्म्स तुसी आज घर जाके सिर्फ एक ही लिख लो ना अपनी डायरी खोल लो डायरी चार्ज दी डेट पा लो और उत्थे लिखो आज मैं गुरुद्वारे गया गई या मैं यूट्यूब ते सुनिया और चरण दा मैना ऐ समझ आया। वेरी सिंपल होंदा जाएगा 365 दिन बाद देख लेना कि तुहाडी समझ अंदर किस तरह वाधा आंदा गुरबाणी और किस तरह समझ आती है। और समझनी ट्रांसलेशन वास्ते नहीं है अपना जीवन उच्चिया करन वास्ते समझनी है। पर डू वी डू दैट नो तुसी खुद देख लो तुसी किसी नाल गल कर लो। मैं भी रोज़ लोगों नूं मिलदा रोज़ लोग ही दस रहे होंदे ने मेरी धी सुखी नहीं है जवाई तंग करता है कोई कह रहा मेरी नूँह ठीक नहीं है कोई कह रहा मेरी सस ठीक नहीं है कोई कहता है पुत्र गया है विराग बड़ा दुख लगा है कोई कहते दादी जी बड़े बीमार है कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा। पीपल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस ऑलवेज। हाँ ये चो टाइम मिल जाए तो ब्याह शादी है जम्मण मरण अटेंड कर लेंगे या असी गुरुद्वारे कभी गुरपुर तो ही चले जाते हैं या लंगर करा देंगे मस्या पूर्णमासी संगरांद मना लेंगे। इस तो इलावा जो सानू टाइम मिल भी जाए तो असी घर बैठ के टीवी ते सीरियल देखते हैं या खबर देखते हैं किछ लाहे उपर घालिए तो असी नहीं करते ना। सो ये अपनी जिम्मेवारी असी हर किसी ने आप लैनी है। मैं तुहाडे ते उंगल नहीं कर सकता कि तुसी इंज नहीं करदे। रोज़ जाके लिखना शुरू कर दो सिंपल एक सेंटेंस लिख दो जगह संत का मार्ग मतलब चंगे गुणा का मार्ग। तुहानू किसी फिजिकल संत बाबा जी के पिछे नहीं जाना पेगा संत का मार्ग धर्म की पौड़ी चंगे गुणा का वर्च्यूज का मार्ग। वेरी सिंपल सिंपल होता जाएगा। इन सत्संग जी मैं अज हैरान हाँ कि गुरबाणी के अनुसार ये शब्द सानू की समझा रहा। अज असी कॉन्सैप्ट समझ रहे मेरे वीर मनजीत सिंह जी बैठे ने मैं नवें नवें टॉपिक भी देते रहते हैं और मैं इन्हों का धन्यवाद दी हाँ कि इन्नी बरीकी ना सोचते भी ने। अज असी टॉपिक लै रहे हैं जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजै सो पावै। इहदा सिंपल मीनिंग असी समझदे हां जो ब्रह्मंड में है जो भगवान उपर कहीं रहता है वो तेरे अंदर भी है दैट्स ऑल। जो खोजै सो पावै सो तुसी बाहर खोजना तुहाडी मर्जी। गुरु साहब बाणी राही ते कहिंदे ने अंदर वसदा है। जंगल जंगल क्या भवें बण कंडा मोड़े जंगल जंगल क्या भवें बण कंडा मोड़े वसी रब हियालिए वसी रब हियालिए वसी रब हियालिए जंगल क्या ढूंढे जंगल क्या ढूंढे जंगल क्या ढूंढे जंगल जंगल क्या पवें बण कंडा मोड़े।
सो साफ साफ सिंपल कह रहे ने, बार नहीं लभना और शरीरक सुखा तक रहेगा, शरीर नु भी जंगल बन नगर गांव कहते हैं। जे मेरी सूरत बार चली जाए, मेरा मन परदेसी हो गया, इत्थे जड़ी मेरी घर की नार है, कामण कहते ने जिनू, वह निखसमी है, वह कहती है सुन ना प्यारे, एकलड़ी बन मां, मैं इस जंगल में कली हूँ, ऐ जंगल। असं अपने शरीर के स्वादा तक हाँ, फरीद जी कहते अंदर वसदा रब, इहदा मतलब हुण गुरबाणी अंदर दे रब की गल करती है। ते काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दो ही मिलके सृष्ट उपाई, अंदर दी सृष्टि दी गल करदी है। ते असी इस कॉन्सैप्ट नू समझण वास्ते कुछ टर्म्स पहला क्लीयर करदे जावांगे, मैं आस्ता आस्ता तुहाडे नाल सांझ करी जावांगा। टर्म्स नू भी एक्सप्लेन करना है, टर्म्स तो इलावा पंक्ति दे राहाव दे मुताबक पावर समझने ने। सो जिहड़े मैं बेनती कर रहा सी कि असी इंपोज करन नहीं आया, असी तो जिस तरह बाणी समझ आती है उस तरह तुहाडे नाल सांझ करते हैं, हाउ टू अप्लाई ऑन माई सैल्फ, फंक्शनल मीनिंग्स समझने ने, हाउ दिस टर्म, हाउ दिस पंक्ति फंक्शंस ऑन मी, मेरे फंक्शंस नू किवें ठीक किया जाए, मेरी करनी नू, मेरी सुचज्जी जीवनी नू किस तरह एनहांस किया जाए, यह सीखते हैं। इहदा मतलब तुसी साडे अर्थां नाल डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन जिहड़े बाणी दी बणतर दे ढंग ने, जे मान लिया अज असी 63 नंबर शब्द डिस्कस कर रहे हैं, तो जिहड़ा पहला शब्द शुरू होंदा नवा राग शुरू होंदा और गुरु नानक साहब दा होंदा और नवा टॉपिक शुरू होंदा, ये बाणी दी बणतर दा ढंग है। फिर हर शब्द दा अपना रहाओ होंदा, उस रहाओ मुताबक पूरा शब्द उत्तों थले तक एक यूनीक मैसेज होंदा, कोई रोग ठीक करने ने उन्हां दे बारे, एटीट्यूड दे सुभा दे। ते पिछले 63 श्लोक शब्दा दे नाल कंट्राडिक्ट बिल्कुल नहीं होंदा, दिस इज़ द वे बाणी, तुसी घर जाके खुद खोजनी है, दैट्स द वे बाणी इज़ कंपाइल्ड, बड़ी सुजाण मत दे नाल बाणी नू कंपाइल किया गया। असी पहला प्रकाश उत्सव भी मना लिया, असी गुरु नानक साहब दा ज्योति ज्योत भी मना लिया, पर सानू बाणी दे बारे कुछ सोचना समझना भी तो चाहिए ना। सो अज असी समझ रहे हैं ब्रह्मंड किनू कहंदे ने, गुरबाणी बाहरले ब्रह्मंड दे बदले मेरे निज घर अंदर रब जी वसदे ने, उनू ब्रह्म दा निज घर अंदर ब्रह्म रब जी वसदे ने, उत्थों मेरी नवी सृष्टि की उत्पत्ति की अकल मिलती है, उनू ब्रह्म दा अंड कहंदे ने, ओ हाउस ऑफ गॉड जिथे मेरे रब जी रहिंदे ने। पर बाहरली सृष्टि के बदले जदों गुरबाणी अंदर मेरा परदेसी गया होया मन वापस आके अपनी मत जिहड़ी कामण है उहदा सच सभना का खसम की मत के मुताबक सच खसम बन जाता है, तो खसम नूं कहिंदे ने पति साहिब कंत वर वर ववरारा, ओ अपनी मत दा कामण दा पंड दा वर बन जांदा है। इस करके गुरबाणी च टर्म है वर पंड, कीड़ा वर पंड, बाहर दा के अंदर दा, उच्चा बोलना है अंदर दा। इन्हां पुस्तकां च असी डिस्कस कीता जल थल मैल केड़ा किथे वाला, तीन पवन केड़ा किथे वाला, नौ खंड केड़े किथे वाले, जीजुक चारे आर जा होर दसुणीए नवां खंडा भी जाणीए, कदी सोचा केड़े केड़े नौ खंड, विच नौ खंड, सिंपली मान लिया अज ही नौ खंडों में लोग जानते हो, नौ खंड का मतलब क्या होता है, पापा जी दसो ना, बीजी माता जी दसो ना, नौ खंड किनू कहते हैं, नौ खंड मतलब सारी दुनिया, वाजी वाह, गुरबाणी अनुसार नौ खंड समझने चाहिए,
नौ खंड जिहड़ा सीधा जोगियां दी गिणती दा नौ द्वारे ने मेरे इन्हां नूं खंड, पर असी तो गिणती च नहीं फसते हाँ, इस करके मेरे एक एक रोम रोम दे ख्याल ये असी पहले डिस्कस कर चुके हाँ। जितने साढ़े निक्के 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 ख्याल आते ने उन्हां कारण मेरा एटीट्यूड सुभा बनता है, उन्हां नूं खंड कहिंदे हन। खंड मिल के मेरा अंदर मंडल बनता है। तुसी सब ने जपजी साहब की पुस्तक लैनी है बाहरों, और 110 घंटे की जिहड़ी जपजी की विचार सांझ की सी वो यूट्यूब पर सुननी है। खंड रल के मंडल और उन्हां तो बाद बनता है मेरा वरपंड। मेरे अंदर दे ब्रह्म दे अंड दे मुताबक जे मेरा जीवन होएगा तो मेरे अंदर दे तीन पवन मेरे जल थल मैयल फिक्सअप हो जाएंगे। उन्होंने कहते हैं जल थल मैयल रिया भरपूर, निकट वसै ना ही प्रभ दूर। मेरे अंदर दे जल थल मैयल नू तीन पवन कहते हैं। सो आज असी थोड़ा मेरे वास्ते मुश्किल है, भगत पीपा जी का शब्द है, तनासरी राग विच है, गुरु ग्रंथ साहब दे 695 पेज ते शब्द अंकत है। ना कछ आएबो ना कछ जाएबो राम की दुहाई। एक बारी फिक्सअप हो जाए ना तर सानू राव समझना, पहला राव नू असी समझ लिए कि मेरे शरीर दे अंदर मंदे ख्याल आते रहते हैं, और मंदे ख्याल या चंगे ख्याल आते जाते रहते हैं, वो सारे मैं डिस्टर्ब करते रहते हैं। मेरे अग लगी हुई सी अज के शब्द के मुताबिक उच्ची सुचजी एलीवेटिड वननेस विद गॉड की अवस्था बारे टॉपिक चल रहा, तो कह रहे ने ना कछ आईबो, मेरे अंदर हुन कोई पैड़ा जम वाला ख्याल नहीं आता। उन्हूं कहिंदे ने हल्ले यारां खुशखबरी। इस शब्द के अंदर अगे चल के कहिंदे ने खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल। पगरी का मैना असी बना लिया, पगरी का मैना होंदा पगडंडी, रस्ता तेरा सुचज्जा मार्ग सच दा मार्ग। खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल। द्वारका नगरी, द्वारका नगरी का मतलब होंदा है वो नगरी जिहदे अनेकां द्वारे ने, जिहदे च अनेकां मोड़ियां ने। पहलां असीं छिद्र वाली गल कर चुके हाँ। द्वारका नगरी काहे के मगोल, मगोल का मतलब जम, जम का मतलब मंदे ख्याल, जिहनूं असीं वो चार शब्द पढ़े सी एती मार पई कुलाने और बाकी सारे जिन सिर सोहन पट्टियाँ। सो द्वारका नगरी, मेरी इस द्वारका नगरी ते हुन किसी भी जगह जम रूपी ख्याल इच्छावां डिजायर्स नहीं आंदियां, ना कच्छा है वो। और चंगे गुण जिहड़े मैं लूज़ कर जांदा सी, हर बिसर तेरे गुण गलिया हो जांदा सी, वो हुन नहीं जांदे ने। चंगे गुण प्रतीक है खुशबू दा, कल असी पढ़ चुके हैं। रब, रब अंदरों नहीं जाता है, अंदर रब जी नू बुलाना है। रब जी तो है बट वी डोंट बिलीव, इसी करके तो असी तीर्थां ते जाते हाँ तो बाणी कहती है ऊँ तो जाइए जो इं ना हो। अजी रब तो तेरे नाल है, तेरे अंदर है, पर अंदर तू रियलाइज़ नहीं कर रहा। तेरा मन भटकता पिया है, और घर की नार कामण कली बैठी है, सुरत बार भटक रही है, अंदर रब जी रहिंदे ने। अंदर रब जी नू प्राप्त करन वास्ते वर प्राप्त चाहिए ना, उन्हू कहिंदे ने मेरे ग्रह आए राजा राम पतारा। दुहाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, जाचना, मंग करनी, बेनती करनी, दुहाई पानी, राम की दुहाई, निज घर की मत लैके अपने अवगुणा तो छुट्टन वास्ते सतगुर की मत प्राप्त करन वास्ते जाचना करनी, निज घर की मत नू
रब जी का सद्दा कहिंदे ने। उहदे वास्ते असी पूरा टॉपिक रजौरी गार्डन पांच दिनों का रामकली सद पढ़िया सी, जो कि असी सिर्फ फिजिकल डैथ के भोगों बारे समझते रहते हैं, है वननेस विद गॉड बारे। महिला नूं 15 दिन असी पश्चिम विहार 57 श्लोक सांझ किए सी, तां असी उत्थे भी समझिया सी कि यह 57 श्लोक ये विरागमी बाणी ने भी रब जी तो उपराम होने की बाणी ने और मरण बारे नहीं है, ये भी रबी मिलन बारे है। रब जी का सद्दा कीमती सद्दा है। ये सद्दे नूं सुन के ना कछ आएबो ना कछ जाएबो राम की दुहाई। पहली पंक्ति रहाव दी है, काया बो खंड खोजते। जदों मैं अपने एक एक रोम नूं सतगुर की मत दे नाल जिस तरह असी फरीद जी का समझा ऊंचे चढ़ के देखिया, मैं एक एक जगह देखिया और देखिया कि सब जगह एक दी सच दी कार चल रही है। एक ओ अंग 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 ते सच दी कार चल रही है। आई इग्नोर दैट, आई डिसएग्री टू दैट, आई अपोज दैट, क्योंकि मैं हुक्म नियम पाने चलना नहीं है। मेरे उत्ते एक दी सच दी कार चल रही है, उस एक दी सच दी कार दे बदले मेरा मन धुंध दी कारक मानता रहिंदा है। असी अंदर सारे अग लग जाती है। इत्थे तक असी फरीद जी दे श्लोक तो अपनी इक्वेशन दा बेस भूमिका समझ चुके हुए। सो काया दे काया मेरे शरीर अंदरों अते बाहरों रोम रोम करके सारे दा सारा सच दे नियम अनुसार सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, सारा सच नाल परोता होया है। पर जे मैं सतगुर दी मत निज कर दी मत रब अंदर वसदे दी मत दे जे अनुसार तुरा ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਨਵਨੀਤ ਪਾਈ, ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੰਗ ਅੰਗ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਈ ਜੀ। ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਕ ਚਤਰਾਈ ਦੁਬਦਾ ਏ ਫਲ ਨਾਈ ਜੀ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਈ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਰ ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਈ ਜੀਓ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੱਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਖੋਜਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਨਿਧ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਵ ਨਿਧ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਕਲ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਪਏਗਾ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਆ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਏ ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਏ ਭੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਜੀਵੋ, ਅਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਜੁਵਲਰੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਫੈਸ਼ਨ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਭੰਜਨ ਮੇਰਾ ਫੀਅਰਲੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਦਿਸ ਵਰਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਾ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜਤੇ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਕਿਸ ਕਾ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ,
अंदर है मन भी टिक जाएगा जे उसनू लै लवे। नौ नींद का खजाना है माई मैं तन पाए और ना मन मेरो तावन ते छुट्टियो कर बैठो विश्राम टिक जाएगा। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विश्राम रहाओ। सारे सुखमनी सबदा टिक गए ना निज करदा खजाना लै लै। चिम चिम वरसै अमृत तारा मन पीवै सुन शब्द विचारा। अंदर हम कर नाम खजाना सदा है भक्तपुरी भंडारा। कितना सिंपल है ना। इंज बाणी खोजिए ना विस्माद आंदा है गुरु साहब ते बलिहार जांदे आ। सो अपने अंदर दी पड़चोल करनी ईच खंड ख्याल नू वाचना देखना पढ़ना रीड करना। हाउ डू आई थिंक एंड हाउ डू आई बिहेव। निज कर दी मत दे राही नौ नित दा खजाना प्राप्त करना जिहड़ा अंदर साढ़े रहिंदा है। साढ़े अंदर रहिंदा है ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है ये बाणी गल कर रही है। असी जिहड़ा 15 अगस्त और 2 अक्टूबर का सैमीनार किया सी असी उहदे च समझिया सी काया कामण अत सवाल्यो पिर वसै जिस नाले पिर सच्चे ते सदा सुहागण गुर का शब्द संभाले। हर की भगत सदा रंग राता होमै विचों जाले वाह वाह पूरे गुर की बाणी। पूरे गुर की बाणी अंदर पूरे गुर ते उपजी सात समाणी वननेस प्राप्त होंदी है रहाओ। काय अंदर सब कुछ वसै खंड मंडल पाताला। अच्छा काय अंदर भी खंड मंडल पाताला होंदे ने असे सोचा जी बाहर ही होंदे ने। काय अंदर जग जीवन दाता वसै असी सोचा जी ओ ऊपर वाले तुम दात देते हो तुम जग जीवन दाता हो। लै काय अंदर जग जीवन दाता वसै ये गुरबाणी कह रही है। सब ना करे प्रतिपाला यदा मतलब प्रतिपालना का मतलब है अंदरों रब सब न सुचजा संतोख का रिजक वाली अकल देता है जिहड़ा लै लो की प्रतिपालना हो रही है। काया कामण सदा सुहेली गुरमुख नाम संभाला। मैं छेती इस करके पढ़ रहा क्योंकि मेरा टॉपिक मैं क्लीयर भी करना है। काया अंदर आपे वसै अलख ना लख्या जाई मन मुख मुगद बूझे नहीं बार पालन जाई। सतगुर सेवें सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई दिखा देंदा। निज कर दी गल सुन लै यू विल बी एबल टू सी योर गॉड इनसाइड। काय अंदर रतन पदारथ भगतपुरे भंडारा वाह जी वाह काय अंदर ही। इस काय अंदर नौ खंड पृथ्वी माई गुडनेस कित्थे सत्संग जी ये गल्लां होनगियां ये विचारां कित्थे होनगियां। थैंक्स टू द प्रबंधक जिन्होंने पोस्टर छापे 2 घंटे का टाइम दिता है। अज तो सैमीनार 5-5, 10-10 घंटे करते हैं पर जो कोई कहे ओ भुपिंदर सिंह जी मनु रोज़ कहते हैं लोग और लोगों को टाइम नहीं है 15-20 मिनट तो ज़्यादा ज़्यादा ना बोलिया करो। ओके फाइन नहीं लोग नहीं अजकल सुनते हैं ओ वेरी नाइस कोई गल नहीं जबरदस्ती तो है ही नहीं है नहीं लोगों की ना कंसनट्रेशन नहीं होती वेरी नाइस वेरी फाइन कोई जबरदस्ती थोड़ा सुनाना है। पर सत्संग जी अपने बारे सोचना है कि असी फोका मत्था टेक के बस घर ही जाना है कुछ सीखना समझना नहीं है तो घर भी सानू वक्त मिलता ही नहीं है। काया अंदर इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी है असी कदी डिस्कस कीता हार्ट पट्टन बाजारा। इस काया अंदर नाम नौ नहीं दी पाई है गुर कै शब्द विचारा। असी विचार करनी नहीं है
असं बस आ के घूम फिर के मत्था टेक के चारों पासों परिक्रमा करके घर ही जाना है ना, तो या प्रसाद कराना। काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलन हारा, ये मन रतन जवाहर माणिक तिसका मोल अफारा। मोल की थी नाम पाइए नाहीं, नाम पाइए गुर विचारा। गुरमुख हुए सो काया खोजे, ओ अपनी अंदर दी बाहर दी मीन्स अपनी सारी समुची जड़ी उहदी एंटिटी बनी हुई है जिहदे उत्ते उहदा करैक्टर बेस्ड है, जिहदे कारण उहदा सारा अंदर दा जगत बनिया होया, जिहदे कारण उहदा शरीर बनिया होया, वह काया। यह फिजिकल सिर्फ बॉडी नूं नहीं कह रहे ने। इसी करके असी सैमीनार कीता सी स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप। फिर उस बाद अगला सैमीनार कीता सी साडा, हर सैमीनार तुसीं लड़ीवार सुनना है, माता के उधर में प्रतपाल करे सो क्यों मनोविसारी है। ओ फिजिकल मम्मी जी दे वुम बारे उधर बारे ते गल ही नहीं चल रही, जैसी अग्न उधर में तैसी बाहर माया, कि माँ के गर्भ के अंदर जी अग है वैसी बाहर माया है। गुरबाणी तो नहीं मनती, पर पंक्ति असी बोल ली, असी विचारे ही नहीं कि केड़ा उधर केड़ी अग। माया नाम गर्भ जोन का, अजी तुसी जेड़े नैगेटिव थॉट सोचते हो ना, इनू गर्भ कहिंदे ने, और उहदे अंदर अग लगी हुई है। पर फिर भी जे तुसी बचना चाहो उस अग तो, ता मात गर्भ में आपन सिमर दे ते तुम रख ना रहे। माता कुदर में अगर तुसी अपना वुम तैयार करना है, अपना नवा जन्म लेना, माता कुदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनोविसारी है, तुसी क्यों इग्नोर कर दे हो। सो गुरमुख होवे सो काया खोजा, होर सब भरम भुलाई, जिसनों देस हुई जन पावे, होर क्या करे चतराई। काया अंदर पाओ पाओ वस्य गुरप्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्ण महेशा, ओ माई गॉड, मेरी काया के अंदर ब्रह्मा विष्ण महेश भी ने। की होंगी है टर्म, एज पर गुरबाणी होंदा जो मैं कोई क्रिएटिव ख्याल आंदा है चंगे गुणा दा, ओ अंकार ब्रह्मा उत्पात दा, जो मैं डिस्ट्रक्टिव गल्ला ना करा, मैं किसी दी लेग पुलिंग ना करा, मैं किसी दा विगाड़ ना करा, मैं इस दुनिया दे पल्या दा कोई उसारू काम करा, दैट इज़ माई ब्रह्मा इनसाइड। काया अंदर ब्रह्मा विशन, मैं अपने सारे अंगा नू रोम रोम नू सच दी सुमत दा संतोख दा भोजन पुछावां। मेरे अंदर महेशा, मनु ये समझ आवे कि मैं केड़े केड़े पैड़े पैड़े ख्यालां दे कारण जम तो पल पल मरदा हाँ। कायंदर ब्रह्मा विष्ण महेशा, सब ओपत जित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया, आवा गौण पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्तारा, सा काया जो सतगुर सेवे, सच्चे आप सवारी। अच्छा जी, एक काया होर भी है, यस, जड़ी मेरी काया खराब हो गई सी ना, ए ठीक हो सकती है। जे फिजिकल बॉडी ते जाओगे तो फिजिकल बॉडी सानू मम्मी पापा को मिली हुई है, पर ये शरीर है मेरा इस जग में आया है, यह मम्मी पापा वाले शरीर की गल नहीं चल रही, मेरी उसी काया की गल चल रही जो अज का टॉपिक आया काया वो खंड खोजते वाला। ये शरीर है मेरा इस जग में आए कह, क्या तुद कर्म कमाया, किड़े फलसफे अनुसार जीना, जिन्हर तेरा रचन रचया सोहर मन नव सह गुर प्रसादी हर मन वस्या, पूरब लिखिया पाया कह नानक ये शरीर प्रवान हुआ। काया फिक्स अप हो गई, कह नानक ये शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, जिसे सतगुर नाल वनस प्राप्त कीती उसका शरीर प्रवान है। अस ते बारली बॉडी दे शरीर प्रवान नूं समझ रहे सी। विण नामे दा टोई नाहीं ता जम करे खुआरी, जे सच नहीं लैंदे आ ते भैड़े ख्याल नूं जम कहिंदे ने। माया मोह प्रेत है काम क्रोध अहंकारा, ये जम की सरकार है, इन्हां उपर जम का दंड करारा। जींदे जी जिहड़े भैड़े ख्याल होंदे ने ना, उन्हां नूं जम कहिंदे ने। ए जम चंबड़े होए ने सानू, ये बौद्धर करते हैं। नानक सच वड्याई पाए, जिसनों हर किरपा तारी, जिसका मन किरपा नू
तार लेंदा है, एडॉप्ट कर लेंदा है। इत्थे तक क्लीयर हो गया। सो साडा रहाओ क्लीयर होया कि असी अपने हुन शरीर दे अंदर जावांगे। हुन असी ये वाला शब्द पढ़ांगे, हरमंदर ए शरीर है। प्रभाती महला तीजा, इस तरह मैं डिस्कस कर रहा, गुरुद्वारों च मोस्टली इस तरह डिस्कस होंदा नहीं है। घंटे घंटे दो दो घंटे कई कई घंटिया के या रैन सबाई दे लगातार कीर्तन के द्वार होंगे ने। यू मस्ट बी फीलिंग बोर्ड, इट इज़ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। मैं कितने जाके बोला, वैटिकन जावां, चर्च विच जावां, मस्जिद जावां, कितने जाके बोला, कितने जाके डिस्कस करिए। वेयर शुड वी डिस्कस दीज वेरी वैल्यूएबल पॉइंट्स जिहड़े गुरमत दे सारी दुनिया वास्ते ने। प्रभाती महला तीजा, विभास हुकम कर सतगुरु प्रसाद, गुरप्रसाद दी वेख तू हरमंदर तेरे नाल। लो जी हुण हरमंदर तेरे नाल है। असी एक बार वाला समझते हाँ, हरमंदर शब्दे खोजिए हरनामो ले संभाल, मन मेरे शब्द रपै रंग होए, सच्ची भगत सच्चा हरमंदर प्रगटी साची सोए। अंदर हरमंदर है, हरमंदर ये शरीर है। लो जी ये शरीर हरमंदर है। कदों? जदों सच दे नियम अनुसार स्पिरिचुअल बॉडी है मेरी, मेरी काया सवारी गई है, तो यह हरमंदर, हरमंदर ये शरीर है। ज्ञान रतन प्रगट होए, मन मुख मूल ना जाननी मानस हरमंदर ना होए। मन नू ए हरमंदर दी गल समझ नहीं आती। हरमंदर हर जियो साजिया, रखिया हुकम सवार, तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मिटन हार। जो तू सोचदा है उस तरह तेरा जीवन बन जाता है, इनू कोई चेंज कर नहीं सकता। शब्द चीन सुख पाया सच्चा नाए प्यार, हरमंदर शब्द सोहना कंचन कोट पार। माई गॉड, तू तेरा अंदर का सारा किला, करोड़ा चंगे गुण वाला सारा किला सोने का बन सकता है। हरमंदर ये जगत है, गुरबिन कोर अंदार। सत्संग जी ये सारी दुनिया नू हरमंदर नहीं कह रहे ने, हरमंदर ये जगत है। तेरा सोचनी का अंदर का टंग, पर जे सच नहीं लिया तो मनमुखता कारण गुरबिन कोर अंदार, अंदर हनेरा हो जाता। बार हनेरा है, बार ते लाइटा लगिया ना। दूजा भाव कर पूज दे मन मुख अंध गवार, जिथे लेखा मंगिया तिथे दे जात न जाए, साच रते से उबरे दुखिए दूजे पाए। हरमंदर में नाम निदान है, ना बूझे मुग्ध गवार, गुर प्रसादी चीनिया हर राख्या उड़तार। गुर की बाणी गुरते जाती, जे शब्द रते रंग लाए। हुन एक टर्म आई है जाति, जान लिया, समझ आ गई, गॉट इट। पवित पावन से जन निर्मल हर के नाम समाए, हर मंदर हर का हाट है, रख्या शब्द सवार। तीस विच सौदा एक नाम, गुरमुख लैन सवार, अमूल गुण अमूल व्यापार करन दी हट्टी है अंदर। हर मंदर मैं मन लोहट है, मोया दूजे पाहे। मन लोहा है और भैड़े ख्याल सोचता सी, जे इस नू फिक्सअप किया जाए ता सोना बन जाता है। पारस पेटिया कंचन पिया, जिहड़ा लोहा सी मनूर सी पिया मनूर, कंचन फिर होवे कीमत कही ना जाए। हरमंदर मैं हर वसै सर्व निरंतर सोए, अजी अंदर रब जी रहिंदे, नानक गुरमुख वणजी है सच्चा सौदा होए। इहदा मतलब असी खोजे किथे करांगे, अंदर खोजांगे किथे, रब हर जी किथे वसे ने अंदर। ये तो गल ही नहीं की जा रही कि जो बाहर ब्रह्मंड में रहता है वो तेरे अंदर रहता है, यदि तो गल चल ही नहीं रही है, गल तो अंदर दी चल रही है।
सतसंग जी, सो ऐ जदों अंदर दे हरमंदर दी गल समझ आ जाएगी, राम की दुआई सच्चे सदे सदके सच्चा सदका, मेरे अंदरों नैगेटिव ख्याल फॉर एवर गॉन, और ना कछ आए बो हून पैड़े ख्याल नहीं आएंगे। देर इज़ नो एंट्री ऑफ द जम थॉट्स, जम इज नो मोर माई गैसट, कल असी गैसट प्राउणे सारे बारे गल कर चुके हैं। होर ऐ जदों ना कछ आए वो मैनू हुण कोई भैड़े ख्याल नहीं आते ने, मैनू डज नॉट मीन भुपिंदर सिंह नू, बाणी दस रही है, बाणी च गुरु साहब समझा रहे ने भगत पीपा जी के मैनू कोई भैड़े ख्याल नहीं आते। पीपा जी कह रहे हैं मैनू ना कछ आए वो ना कछ जाए वो, हुण मेरे चो चंगे गुण नहीं जाते ने, राम की दुहाई निज करदा सद्दा सुनन तो बाद, उस अनुसार देखण दे नज़रिए तो बाद रहाओ। हुण पदा पहला कायों, कायों मतलब काया, मेरी अंदर बाहर दी काया, रोज़ पढ़ते हो ना जियो मैले बाहरों निर्मल, तो इनू बाहरों निर्मल नहीं कहते ने। सतसंग जी ये छोटिया छोटिया गल्लां ने पर बहुत बारीकी दे नाल असीं समझनियां ने, ताकि मैनूं पता लगे मेरे थॉट प्रोसेस दे कारण मेरा जिहड़ा बाहर बिहेवियर होंदा है, मेरा थॉट प्रोसेस परलोक लॉस्ट है, परलोक गवाए हुआ है, तो मेरा बाहरला लोक है, लोक है नहीं जिहड़ा मैं इधरों करोलबाग तक जाना उधरों उधर तक जाना, और इहनू लोक नहीं कहिंदे ने, मेरा बाहरला बिहेवियर, लोक गए हो पर लोक गवाए हो, दोनों लॉस्ट हो गए, मेरा बिहेवियर चंगा नहीं, मैं जिथों लंघदा आकड़ के ही लंघदा, हंकार नाल ही लंघदा, और बंदे नूं बंदा समझदा नहीं। यही सब्जेक्ट चल रहा ना, मैं जाणिया दुख मुझको फरीद जी का टॉपिक कि घर घर किवें आग लगी हुई है। कायों देवा, मेरे अंदर ही निज घर दे अंदर नैगेटिव तो पॉजिटिव बनन की अकल है, उन्हूं कहिंदे ने बलहारी गुर आपणे देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते, मानस का मतलब मेरा नैगेटिव वाला मन नू चंगे गुणा वाला बना दिता, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरी होए बना दिता। मन नू जदों चंगे गुणा वाला बना देंदे हन तां कहिंदे ने जिन मानस ते देवते किए, मीन्स वर्चूज वाले सुचजी थॉट्स करतना लगी वार, इमीजिएटली यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड चेंज्ड, अख दी पलक जितना फोर जितना ही एपिफनी मांगो एकदम यू टर्न हो जाता है। देवल होंदा है मंदर अंदर दा, जिहड़ा असीं उन्हें हरमंदर समझ चुके हैं। जंगम होंदा है, असीं सारे समझदे हाँ माया होई नागनी जगत रही लपटाए, पैड़े ख्यालां नूं माया कहिंदे ने, बाहरले सोना इस्त्री पैसे नूं प्रॉपर्टी नूं माया नहीं कहिंदे ने, इह असीं बहुत वारी क्लीयर कर चुके हाँ। कायों देवा, कायों देवल, कायों जंगम जाती, जंगम मतलब मेरे अंदरों जिहड़े ख्याल मैनू ये सुमत बख्शते ने कि अपने अंदर दी नागन सप्प नू किस तरह मारना है। तुसी सारिया ने देखा हो सप्प नू मारन वास्ते उस एरिए की होंदा पीकॉक्स मोर होंदे ने, इसी करके वो डिनोट करन वास्ते अपने इत्थे पंख लगा लेंदे ने, पर अकल ना होवे कि मेरे अंदर माया नागनी है, मेरे अंदर पैड़े ख्याल ने, माया होई नागनी जगत रही लपटाए, मेरे सारे ख्याल अंदर दे जो इसकी सेवा करे तिसी को फिर खाए, उसनू मार पाना, उस तो छुट पाना, वो वाली अकल प्राप्त कर पाना, उसनू कहंदे ने जंगम जाती, जान लिया समझ लिया मैं जानिया, हुन ए मेरी तीर्थ यात्रा बन गई, अंतर्गत तीर्थ मल ना हो, हुन मैनू किधरे जाना नहीं पैंदा, बाहर जान तो छुट गए, नावण चले तीर्थी मन खोटे तंचूर,
बाहर धोती तुमड़ी अंदर विसनिकोर साध पले अन्नात्या चोर से चोरा चोर नहीं जाना पैंदा नाण नहीं जाना पैंदा। इहदा मतलब नाण नाणा दा मतलब चोर से चोरा चोर वाले ख्याल होणगे जिहड़े लोकी तीर्थां तों छुट जांदे ने, है ना। उन्हां समझ आंदा गुर समान तीर्थ नहीं कोई, वो गुर दरियाओ दे तीर्थ ही नहांदे ने। और गुर दरियाओ सदा जल निर्मल मिलिया दुरमत मैल ही रे, सतगुर पाइया पूरा नावण, सतगुर मिल गया आई नहाना है। पशु प्रेतों देव करे ऐ देवा वाला गुण अंदर सारा प्राप्त है। सो पहला पता होया कायों देवा कायों देवल कायों जंगम जाति, ऐ सारे मेरे अंदर सारा कुछ है। सब्जेक्ट टू मैनेज कर दी मत लई है, जे नहीं है तो की है जियो मैले बारों निर्मल। पर जे सतगुर की मत लै लो तो की होंगे जियो निर्मल बाहरों निर्मल बाहरों निर्मल जियो तो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ की सोए पहुँचे नहीं, लो जी कूड़ तो नेड़े भी नहीं आता ना का छाए वो। सो कायों धूप दीप नहीं बेदा, ये टर्म थोड़ी जी सानू समझनी पेगी। दुनिया बाहर किसी रब नू खुश करन वास्ते किसी भी जगह जाके या किसी मूर्ति अगे जाके कुछ चढ़ाती है, धूप दीप अगरबत्ती खाण पीण दियाँ चीज़ों का भोजन दुध एटसैट्रा एटसैट्रा। ये तुसी सारे ने देखिया उन्होंने धूप दीप नहीं बेदा कहिंदे ने, खाण पीण दे भोजन परोस के रखना। गुरबाणी असी ये जो कड़ा प्रसाद इत्थे वरतांदे हाँ तो वह असी गुरु साहब अगे नहीं रखते हाँ, असी गुरु साहब नू भोग नहीं लांदे हाँ। यह भुलेखा सानू कढ़ना जरूर। वो तो प्रसाद कटोरी च रखिया भाई साहब जी जिहड़े सेवा कर रहे ने उन्हां वास्ते, भी जो सेवा करके उठणगे प्रसाद उन्हां वास्ते आ, फिर कढ़दे उन्हां वास्ते ही आ, रब जी नू भोग नहीं लांदे आ। यह भोग लाण दी साडी भुलेखे नू असी लाणा है। लेकिन नहीं बेदा दा हुण असी एक शब्द पढ़िया सी माई गोपिंद पूजा कहाँ ले चराऊं, माई गोबिंद पूजा कहाँ ले चराऊं, अवर न फूल अनु न पाऊ माई गोबिंद पूजा कहाँ ले चराऊं। इस सारे शब्द च असमर्थता दसते ने रविदास जी, धूप दीप नहीं बेद बासा, मैनू नहीं आंदी ए धूप दीप बेदा बेदा बासा नहीं बेदा करना नहीं आंदा। धूप दीप नहीं बेद कैसे पूज करे तेरी दासा, कैसे पूज करे मैनू ए मेरे को है नहीं ना, मैनू चढ़ाने आते ने ना मैनू ए वाली पूजा करनी आती है, तो फिर असी किस तरह पूजा करिए। हुन अगले सोल्यूशन दस देने तन मन अरुपो पूज चढ़ाओ, तन मन अरुपो पूज चढ़ाओ, गुर प्रसाद निरंजन पा, मनु अंदर ही निरंजन मिल गया। गुरु प्रसाद
साध निरंजन पाओ माई इस शब्द च कह रहे ने मैं ते ना अल्टीमेटली आपा समर्पण किया तन मन अर्पो साढ़े चो जिन्हों तन मन अर्पणा मीनस आपा सरेंडर करना आ जाएगा ना उन्होंने कहते हैं मन की मत त्यागो हर जन हुक्म बूझ सुख पाइए रे सारी आग बुझ जाएगी सुखी हो जाएंगे जलन बुझी शीतल हो मनवा छाती शीतल मन सुखी हो जाएगा मन की मत त्यागनी है तन मन अर्पण का मतलब यू सरेंडर योर पढ़ाई योर डिग्री योर स्टेटस योर ज्ञान एनीथिंग एल्स जस्ट सब कुछ अंडू करके अपना भांडा खाली करना आ जाए ना सानू ए आ बात कठैनी मन की मत त्यागो अर्जन ए आ बात कठैनी यही तो मुश्किल है आज तक नहीं छूट पा रहे मैं कौन भुपिंदर सिंह मैं कौन इंजीनियर भुपिंदर सिंह मैं कौन मैं जोड़ा शब्द विचार करता मैं कौन मैं जोड़ा अमरीका तो आया मैं कौन इन्हों तो ही तो खाली नहीं हो पा रहे मनु बड़ी अक्कल मनु बड़ा ज्ञान इस तरह असी सारे अपना पंडा नहीं खाली कर पा रहे आपा समर्पण कहते पूजा अर्चा इन्हों तोरी कह रबदास कवन गत मोरी मेरी किमें गति होएगी सिंपल सिंपल शब्द दे अर्थ असी अपने शब्द ते हुण वापस आ जांदे आ सो साडा पदा राहो असी समझ लिया और पदा पहला असी समझ रहे हां कायों देवा कायों देवल कायों जंगम जाति हुण तक कोई क्वेश्चन पैदा होया तुसी लिख लेना मैं अपने वालों स्लो चल रहा पर मैनू अंदरों एक्साइटमेंट है क्योंकि मेरे को टाइम लिमिट है वो मेरी एक्साइटमेंट खीमा कर देना टॉपिक मेरे वास्ते मुश्किल है पुटअप करना मुश्किल है टर्म्स भी क्लियर करनी है और अपने ते टुका के करनी है कायों धूप दीप नहीं बेदा मैं अपने अंदर ही सच नूं समर्पित कर दिता मेरे वास्ते आई वो धूप दी बेदा नहीं बेदा नहीं यही मैं अर्पण करदा हाँ और जेड़ा है सीख लेगा ना तन मन अर्पो बबू चढ़ावो मन की मत त्याग देगा ना सत्संग जी उन्हों बारों कुछ नहीं चढ़ाना पेगा कित्थे भी जाके कोई सुखना नहीं सुखनी पेगी मेरे घर च पुत्र हो जाए उत्थे जाके ऐ चढ़ावांगी ऐ गल हो जाएगी उत्थे जाके ऐ करांगे सब तो छुट जाएंगे मन मेरे तावन ते छूटे हो जाएगा घर बैठो विश्राम हो जाएगा कारी सुख प्राप्त हो जाएगा सो कायों धूप दीप नहीं बेदा कायों पूजो पाती मैं अपने एक एक अंग अंग रोम रोम वो सारे नू मैं सतगुर की मत लैके सारे नू फिक्सअप करदा उन्होंने जीता अपनी काया बोखंड खोजते नाम नीत पाई मैं अपने अंदर की काया खोजदा अंदर की काया केड़ी है जिथे रब जी वसते ने अंदर दी काया दे कारण मेरा मन सारी सुरत मत बुद्ध मेरे अंग अंग रोम रोम काम करते ने कौन कहता बाणी ये मन जैसा सीवे तैसो हुए ते कर्म कमाए सिंपल हो गया ना साडा मन जिस तरह सोचता है पर अंदर रब जी वसते ने काय अंदर नवनिध है खुट भंडार है रतन जवार ने घर अंदर अमृत भरपूर है सतसंग जी जे उसनू प्राप्त कर लेंदे हाँ तो नवनिध प्राप्त होंदी है सो साडा टॉपिक अगे चलता है काया बोखंड खोजते नवनिध पाई ना कछ आईबो ना कछ जाइबो राम की दुहाई राहो जो राम की दुहाई पा ली ना तो फिर उन्हों बेनती की है दुहाई का मैं पहला दसिया हाथ जोड़ के हर के लोगा मुको नीत डस पटवारी ऊपर पुजा करके मैं गुर पै पुकार ऊपर का मतलब इंज नहीं ऊपर का मतलब है दुहाई पानी प्लीज हेल्प मी आ जाओ जी मेरे घर आ जान
राम की दुहाई, मनू राम वाली अक्कल आ जाएगी। गाओ 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 दी दुल्हनी मंगल चारा, मंगल चारा मेरे ग्रह आए राजा राम, मेरे ग्रह आए राजा राम पतारा। किन्नू कहंदे ने एक एक अंग नू जिथे आग लगी हुई सी ना, घर घर आग लगी सी ना, एक एक अंग नू कहंदे ने तुसी सारे उस वर प्राप्त जिदे वास्ते रिक्वेस्ट कीती गई है कामण वल्लों, उदे गुण गाओ गाओ गाओरी। ईच ईच एक एक इंद्रा ज्ञान इंद्रा, एक एक रूम रूम, एक एक मोरी, एक एक थॉट प्रोसेस, एक एक विंडो बींग फिक्स्ड। गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, ये सारा शब्द जिहड़ा ना गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा मेरे ग्रह आए राजा राम पतारा, ये शब्द ये सारा शब्द निज कर दे रब जी दे नाल, कह कबीर मोए ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना, निज कर दे रब जी दे नाल एकमिक हो गया मेरा मन, और उसने सारी अंदर दी सृष्टि नू ठीक कर लिया, एक एक अंग अंग रोम रोम नू मारना शुरू कर दिता। हुण असीं अपने शब्द विच वापस आवांगे। साडा टॉपिक अज की समझ रहा सी, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। ब्रह्मंड केड़ा खोजना किथे है, काया बौखंड खोजती, नवनीत पाई है ना आज दा शब्द है ना, काया बौखंड खोजती नव निद पाई। सानू काया खोजनी है ना कि बारला ब्रह्मंड खोजना, काया खोजनी है, अंदर दी गल चल रही है। जो ब्रह्मंडे तेरे ब्रह्म दे अंदर, तेरे अंड दे अंदर जेड़ा ब्रह्म सच दा सुचजी मत दा सतगुर रब वसदा है ना, उसी दा सारा ते नियम सारे पिंडे ते वसदा है। तेरा पिंडा किन्नू कहंदे ने सत्संग जी, हुण टॉपिक शुरू होएगा। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, सत्संग जी पिंडा दा मतलब होंदा है जो तुसी इहदे विच कमाया है, जो तुसी इहदे विच सोचे है, जो तुसी इहदे विच जीवे है, जिहदे नाल तुहाडा पिंडा बणिया है, जिहदे नाल तुहाडी काया बनी है, जिहदे नाल एंटिटी बनी है। साडे सारयां दे सामने जे असी एक एंटिटी दा नां लै लईए तां जदों असी कहांगे बीबी पानी तां सानूं बीबी पानी बारे सारी गल्लां याद आनियां शुरू हो जाणगियां कि उहदी एंटिटी की है। वर्सिस प्रीथी चंद कहांगे तां उहदी एंटिटी दे बारे, क्योंकि उह किहड़े ख्यालां नाल उह एंटिटी नून है। एंज जे आ काले कालना ते वेहो ना उपचारी है, जैसा जीवन जाच जींदे आ, खेडदे आ, करदे आ, उठदे आ, बैठदे आ, ए मन जैसा सेवें तैसो होए, वैसे वाले बन जांदे आ। इहनू पिंड कहंदे ने, पिंडा कहंदे ने, जो सोचिया जो कमाया उहदे नाल मेरी जिहड़ी एंटिटी बनी है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो निज घर दे अंदर है उन एंटिटी बनी है पॉजिटिव, वननेस विद गॉड वाली, जिहदा ना कछ आइबो ना कछ जाइबो है ना। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, वो है ए सोचे देखे समझे कि मेरे अंदर चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे। धर्म दूर बाहर कोई धर्मराज नहीं बैठा, ते ना ही बार कोई चित्रकूपत बैठा होया है,
ना ही बाहर कोई मरण तो बाद स्वर्ग नरक होता है, ना ही बाहर कोई मरण तो बाद जम होंगे ने, ना कोई हैल हैवन और जन्नत दोजख होंगी है, मेरे अंदर रहते ने। एक इफ ये साढ़े अंदर अबिलिटीज ने, मेरे चंगे मंदे ख्याल, पर जेडे मंदे ख्याल ने पता ली, चंगे ख्याल आगासी सू लुख आते हैं, पातालों पाताल लख आगास आगास, बाहरली सृष्टि की तो गल चल ही नहीं रही। यही जपजी से असी डिस्कस किया। सो सत्संग जी, अंदर दे ख्याल के मुताबक जो मैं पिंड कमाया, मैं देखा कि वो सारे ते सतगुर की मत का ही नियम चलता है। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, सारे एक रस परोते हुए ने, सारी थॉट प्रोसेस की गल। तुसी एक सैमीनार साडा देखना ऑनलाइन पिया हुआ, उहदा नां है मनुख की रूहानी काढ़त। दोबारा बोलता, मनुख की रूहानी काढ़त, इंग्लिश है द डिवाइन मकैनिजम ऑफ ह्यूमन बॉडी। सैकेंड सैमीनार उस तो बाद कीता सी, इनर वॉइस इज गॉड्स वॉइस, अंदर की आवाज़ रब जी की आवाज़ होंगी है, अंदर की आवाज़ तुर की बाणी होंगी है, अंदर की आवाज़ खुदाई पैगाम होंगे। उ सब है कट राम बोल है, अंदर की आवाज़ कबीर की आवाज़ होंगी है, कबीर तू कबीरा तू ही तेरा नाओ कबीर, अंदर की आवाज़ ही सच की बाणी। नानक आख है, अंदर की आवाज़ नू नानक की बाणी कहते हैं, सच सुना सी सच की बेला, जदों जम सतावे उस वेले अंदरों सच की आवाज़। गुरबाणी अनुसार नानक कबीर त्रिलोचन, ये सारिया जिहड़ियां अवस्थावां ने, अपने अंदर दे तीनों पवन देख पाना, मैं रजो तमो सतोच कित्थे फसता हाँ। इस तरीके दे नाल जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, वाओ क्या एक सच दी कार मेरे ते चल रही है, मैं इसनू देखिया, मेरा अंग अंग रोम रोम, मेरा थॉट प्रोसैस किस तरह बंदा देखण सार मेरे अंदर गड़बड़ हो जाती है, किवें किसी की गल सुन के मैं मंदी राय बना लैंदा, किवें मैं कन्ना दा कच्चा, जो मर जम्मे सो कच नी कच हो जाता, मैं बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, मैं एकदम चला जाता। इस तरह सारी अपनी अग बारे मैं समझ लिया, निज घर की मत मिली, और पता लगा सब जगह एक यूनीक लॉ चल रहा है, चंग्याइयां बुरियाइयां वाचै धर्म दूर। साढ़े सब दे धर्म की त्रकड़ी लगी हुई है, वो नाल दे नाल तुल जाता है, मरण तो बाद कोई लेखा जोखा की नहीं गल चल रही, जींदे जी ए कर करे सो ए कर पाए, कोई डिले ही नहीं है। हुने पैड़ सोचा, हुने सड़ गए जल गए भाई। नानक जित वेला विसरै मेरा स्वामी, तित वेला मर जाए जीव मेरा, उसी वेले मर गए, सत्ती कपड़ी अग लग गई, जींदे जी अपने आप नूं ग्रे विच गाड़ लिया, जींदे जी अपने आप नूं साड़ लिया। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, वो इस यूनीक लॉ नूं समझ आता है कि चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। रब जी किसे नू दूर नहीं करते ने, अंदर ही रहते ने। मैं अपने भैड़े ख्यालों के कारण किरत करम के विछड़े दूर हो जाता, तो जे सतगुर की मत लै लवे मेरी मत सुरत, सारा कुछ फिक्सअप हो जाता है। मनु अंदर वाले रब जी की वननेस प्राप्त होती है, मनु कोई बिचोला लोड़ नहीं पैंदा, मनु कोई तीर्था ते नहीं जाना पैंदा, मनु कोई चार दीवारा या संगमरमर ते नक नहीं रगड़ना पैंदा, कोई धूप दीप अगरबत्ती नहीं करनी पैंदी, कोई दिन त्यौहार नहीं देखना पैंदा, आठ पैर आराधिया हो जांदा। पीपा प्रणवै परम तत् है। भगत पीपा जी कहते ने, मैं बेनती करदा कि यह दरअसल परम तत् है, सतगुर होए लिखावै। गुरबाणी अनुसार जब तुसीं डिवाइन मकैनिजम समझिया सी ना, तो सतगुर ने दिखा दिता कि देख वेयर यू आर रोंग। साडा इत्थे टॉपिक कंप्लीट होंदा है,
साढ़े सब के अंदर सतगुर का चिप लगा हुआ है। डिवाइन मकैनिजम ऑफ ह्यूमन बॉडी तुम पढ़ना जाके देखना, वह डायग्राम भी देखना। कहो कबीर मैं सोगुर पाया जाका नाओ विवेको। हर किसी के अंदर विवेक बुद्धि का चिप लगा हुआ है, पर माधो अविद्या हितकीन। मैं भैड़े ख्यालों के नाल प्यार कर लिया विवेक दीप मलीन। मेरा वो चिप एक्टिवेट नहीं हो रहा, चिप तो अंदर है, वो चिप सतगुर है। एनालाइज कर पाना व्हाट इज राइट व्हाट इज रोंग। ए डूज डोंट्स इन गल चल रही जिद नाल मेरा अंदर अग लगती है रोंग, जिद नाल मैं भी सुखी होरना भी सुखी कर सकता राइट। यू लिव फॉर अदर्स, अंदर दी अग खत्म, भय डर खत्म राइट। कोई धर्म की लिस्ट नहीं है डूज और डोंट्स की गुरबाणी। सुचज्जी जीवन जाच, इहदा मतलब गुरबाणी अनुसार विवेक बुद्ध वाला सतगुर प्राप्त हो जाता है जिहड़ा चिप अंदर लगा। कहो कबीर मैं सो गुर पाया जाका नाओ विवेको। विवेको का मतलब देसी घ्यो नाल खाना नहीं होंदा विवेको। विवेको का मतलब लोहे के भांडे खाना नहीं होंदा। विवेको का मतलब है विवेक बुद्धि प्राप्त हो गई। सारे ने मैंने पूछा सी गुरमत का ज्ञान की है, तो मैं सिंपली कहा सी गुरमत सारे ज्ञान नू कंडम करती है पर एक ज्ञान एक्सैप्ट करती है। कबीरा जहाँ ज्ञान ता धर्म है, वो ज्ञान गुरमत का की है। राहु केतु देखना आ जाए, डे कि चंगे ने, कलर केड़ा पाना है, लाल नीला पत्थर की पाना, सुपरस्टिशियस बिलीफ की रखना है, तुहाडे जैमनाई है कि तुहाडा स्कॉर्पियो है, इस किस्म की सारी नॉलेज दे ज्ञान की गल नहीं चल रही। बाली सृष्टि के ज्ञान की गल नहीं चल रही। बारली साइंस की मैडिकल साइंस के ज्ञान की गल नहीं चल रही। गुरमत अनुसार ज्ञान है। मैं गलत कितने हाँ वाली एनक लोयण सुरत करे वाली अख देख पाना अंदर राजा राम पतारा नाल विआह हो जाता। इस गल की तस्दीक कौन करता है? जदों कबीर साहब इस विआह की गल करते हैं ना कि अंदर का राम मिल जाए, तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं गावो गावो कामणी विवेक विचारा, गावो गावो कामणी विवेक विचार, गावो गावो कामणी विवेक विचार। हमरे कर आया, हमरे कर आया, जग जीवन बतार, जग जीवन पता मेरी कामण। कामण मतलब मेरी सोचनी दी, जिहड़ी मेरी मत है, मेरी नार, मेरी वोटी, जिहड़ी हर जगह मेरे नाल जांदी है। पहला पैड़े वाली सी, उन्हूं कहंदे ने पहली करूप कुजात कुलखनी, सौ रुपये बुरी। जदों मैं सतगुर की मत लै ली, अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहज उधर पड़ी। वो कामण करनी, कामण कर मन ले। माँ सैमीनार देखना तुसी किस तरह कामण प्राप्त होंदी है, कामण का खसम किस तरह सच प्राप्त होंदा है। गुरु नानक पातशाह ने दसिया हमरे घर आया जग जीवन पतार, गुरुद्वारे हमरा विआह जो हुआ। वो गुरुद्वारे का मतलब चार दवारा नहीं कहते हैं, जो हुआ जहाँ शुभ मिलिया तो जानिया, तो लोगों में शब्द रविया है, तो लोग मेरे अंदर दे जल थल मैयल और मेरे रजो तमो सो फिक्स हो गए। आप गया मन मानिया, अपना कारज आप सवारे, होरन कारज ना होई, जित कारज सत संतोख दया धर्म है, गुरमुख पूजे कोई। यही तो खोजना सी ना, भणत नानक सबना का फिर एको सोए, सब दे अंदर रब जी रहिंदे ने, जिसनों नदर करे सा सुहागण होए, कामण सुहागण हो जाती है, अंदर दी अग बुझ गई, खसम राम प्राप्त हो गया, मेरे ग्रह आए राजा राम पधार हो गया, अंदर दी आग तृष्णा सारी बुझ गई।
सो असी दोनों पदे पढ़ ले। मैं लास्ट च लिखिया कि ब्रह्मंड खोजना तत् लैके वर भंड बनना अपनी मत दा सच दा खसम प्राप्त करना कामण दा ब्रह्मंड मतलब निज कर दा अंड तत् ज्ञान निज कर तो अंदर वसदे रब दा लैना आपा चीनना अपनी काया नू खोजना अपने चंगे मंदे ख्यालां दी पड़चोल करनी उन्हूं कहिंदे ने जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना परम की काई आपा चीनिया परम दी काई आउट सारी हर्डल खत्म। पिंडे माई होल कमाया तन दी दे करैक्टर मैले बाहरों सी हुन जीओ निर्मल बाहरों निर्मल हो गए हुन इस द्वारका नगरी काहे के मगोल। मेरी सारी नगरी जड़ी अग लगी सी जड़ी असी पहला फरीद जी दा पढ़िया सी उस श्लोक नू लिंक कर लैंदे आ। ऊंचे चढ़ के देखिया ता कर कर अग मैं जानिया दुख मुझको फरीदा सबाए जग दुख सबाए जग जान लिया हुन की होया निज कर दी मत लई ऊंचे चढ़न वास्ते एलीवेट होके बॉडी दी अग तो सेल्फिश रीजनस तो उपर उठ के विदाउट वेस्टिड इंटरेस्ट तो दूजा पाओ खत्म ता हुण की हो गया दुख खत्म सुखी हमेशा हो गए। एक एक खंड एक एक रोम रोम थॉट प्रोसेस नू चीनिया काया बो खंड खोजते नव निद पाई ना कछ आए वो ना कछ जाए वो राम की दुहाई राम की दुहाई राहु। असी अज दो टॉपिक समझ ले अग किवें लगी है उन्हूं चैक करना है पड़चोल करनी है अपनी सानू बाहरों किसी ने अग नहीं लगाई किसी ते ब्लेम लगाने की लोड़ नहीं है वो सारी खेड समझी और अपने अंदरों बाहरों सारी बॉडी नू फिक्सअप किया कोई उनसुरत बाहर नहीं जाती है कोई जम वाले ख्याल अंदर नहीं आते ने ते हुन चंगे गुण पल्ले पै गए राम की दुहाई राहो पुल्ला चुकां दी खीमा वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह।